वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैंक में अगर पैसे डालना है तो आप उस जो पैसे भरने वाली स्लिप होती है आप उसको कैसे फिल कर सकते हो, तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको व्हाइट वाली स्लिप लाना पड़ेगा बैंक में से, आप बैंक में जाते हो तो। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए उस व्हाइट पर्ची को किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना बैंक जो ब्रांच किस गांव में है, किस शहर में, वहाँ पे आपको इसको ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जिस दिन में आप पैसे भर रहे हो उस दिन की डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी और दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 6 7 8, मैं कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, आपके पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका फुल नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फुल नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ड में पैसे जो आप पैसे डाल रहे हो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, यहाँ आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिख सकते हैं, किसमें भी लिख सकते हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल डाल लेनी है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10,000, ठीक है। और कुछ इस तरीके का कर देना, बस ये हो चुका है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे भी मैं डेट फिल कर देता हूँ, यहाँ पे डेट फिल कर देता हूँ। अब आ चुका है दोस्तों हमारा ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट विथ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम डाल दिया है मैंने। ब्रांच का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा ब्रांच में अकाउंट नेम है मैं वहाँ पे मेरा अकाउंट नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा अकाउंट नेम और अब उसे, ठीक है। अकाउंट नेम डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाला डब्बा आपको, ये दोनों भी डब्बे फिल नहीं करने हैं। अगर आप कैश जमा कर रहे हो, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चेक देता है, अगर वो आप अपने बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेक नंबर डाल के और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चेक से नहीं कर रहे, तो अगर आपके पास दोस्तों 2,000 की 10 नोट, मैं 10,000 भर रहा हूँ तो मेरे पास 2,000 की 5 नोट है, ठीक है। आप मान लो मेरे पास 5 नोट है तो यहाँ पर आपको पैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा मेरे को 5, तो 2,000 की 5 नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 के 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हो 10,000, ऐसा इस तरीके से 10,000 लिख सकते हो। अगर आपके पास 500 की है तो आप यहाँ पे 20 लिख सकते हो। अगर आपके पास 200 की है तो आप लिख सकते हो 100 की है, 50 की नोट है, 10 की है, और यहाँ पे 5 रुपये का भी सिक्का है, आप यहाँ पे उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी मेरे पास 100 नोट है, अब इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 की, यहाँ पे 100 नोट ये नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आपको 100 की 100 नोट है आपके पास तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल में 10,000 डाल देनी है और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जो डिपॉजिट करने वाला उसकी साइन मगर तो आपकी साइन यहाँ पे लगने वाली है, आप डिपॉजिट करने वाले हो तो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे डाल सकता है। और ये देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 90, ठीक है। तो यहाँ पे डेट और इस तरीके का पूरा फिल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे डेट हो गया, यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ पे हमारे 100 की 100 नोट इज इक्वल टू 10,000, यहाँ पे टोटल 10,000 हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट करने वाले की साइन, भरने वाले की साइन। और यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से लिखना पड़ेगा वर्ड में, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो 10,000 भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो मैंने 10,000 लिख दिया, 10,000 ओनली, मतलब 10,000 रुपये ओनली, ठीक है। तो ये तो ये वाला डब्बा आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, नाम के बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपके पास कितने के कितने नोट है उस नोट का कैलकुलेशन और टोटल, यहाँ पे आपकी साइन, और दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कितने हज़ार है उसका वो भरना पड़ेगा, ठीक है। और ए वाला, ठीक है, ये वाला सेशन आपको पूरा का पूरा भरने के बाद दोस्तों आपको ब्रांच में जाना है पैसे लेके। और आपको जो ये आपको ब्रांच में ही भरना है, अगर आपके पास स्लिप ऑलरेडी घर में है तो आप घर से भर के लिए जा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रांच में जाके आपको ये फिल करना है। और उसके बाद जो कैशियर होता है उसके उसके पास इसको दे देना है, वो आपको
ए वाली पर्ची को काट के दे देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ए वाली पर्ची जो वो बैंक में ले लेगा और आपके पैसे ले लेगा, और ए वाली पर्ची आपको दे देगा। ये प्रूफ होता है कि आपने पैसे आपके अकाउंट में भरे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।